इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो रही होती है, ठीक है, डाइट प्रॉपर नहीं होती, फ्राइड आइटम्स ज्यादा होते हैं जिसका आजकल बच्चों का शौक भी बहुत होता है, ये हो जाता है, उसके लिए इनिशियली जरूरी यही होता है कि अपने सोप्स चेंज किए जाएं, अपना थोड़ा डाइट को बेहतर किया जाए, पानी का इंटेक बढ़ाया जाए, हार्मोनल मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती। यही मतलब इतने आपको पता है हर शो पे हम ये बात करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट आती है वो भी हम यही बात कर रहे होते हैं, हमें भी दाने निकले थे, हमारे भी टीनेज आया था, हमने तो कभी जा के गोलियां नहीं खाई, ये सब जरूरत नहीं है, आप उसका वो उस फेज में होता है ये सब, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह सब। आजकल क्यों इतना हो गया आयशा? आजकल आई थिंक लड़कियों को अपनी फिगर की प्रॉब्लम पड़ जाती है कि हमारे फिगर्स बहुत स्मार्ट हो या हम थोड़े से फिगर हमारे अच्छे हो जाएं, अगर हम बहुत पतले हैं तो हम स्मार्ट हो जाएं, हम बहुत मोटे तो हम बिल्कुल भी स्किनी हो जाएं। एतदाल पसंदी देखें जरूरी है, फर्स्ट ईयर या मतलब ये बातें कहाँ याद रहती है? नहीं, फर्स्ट ईयर वगैरह में तो इतनी होश नहीं आती, टूवर्ड ग्रेजुएशन आ रही होती है जब आप अपनी पढ़ाई या आप इंगेज हो जाए या आपको शादी की बहुत जल्दी, आजकल तो लड़कियों की शादी की भी जल्दी नहीं होती, नहीं होती, ये सब सप्लीमेंट्स लेने की क्या जरूरत? नहीं पता, ये सारे शॉर्टकट्स में पता नहीं क्यों लोग हमारे चले गए हैं। हाँ, अगर आप हम इसको कंटिन्यू करते हैं, एक और कॉल ले लेते हैं, लास्ट कॉल है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नौरीन बात कर रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम नौरीन है। जी नौरीन, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी नौरीन, तो मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी उम्र 23 इयर्स है और मेरा वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा हार्मोनल सिस्टम बहुत खराब है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं यानी कि अपना वेट लूज करूँ, और मेरे थायराइड का भी मसला है और मेंसेस मेरे बिल्कुल बंद हो गए, यानी कि बिल्कुल भी नहीं आ रहे। हाँ, यही इशू इसमें ये हो जाता है इस तरीके से, तो उसका ट्रीटमेंट आप ले रही हैं? नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं है इसका क्या ट्रीटमेंट। नहीं तो जब आपको एक चीज मालूम है, आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हैं, थायराइड लेवल्स भी डिस्टर्ब हैं, तो जब तक आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा आपको, और साथ में आपको डाइट पे जाना पड़ेगा, साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डाइट तो मैं बहुत ज्यादा कर रही हूं, आप लेकिन डाइट है, लेकिन जो चीज आपके अंदर मौजूद है, जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसका इलाज आप नहीं कर रही, तो सिर्फ डाइट से आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, दवाई से, डाइट से और एक्सरसाइज से आएंगे। ठीक है, और मेरी हाइट भी छोटी है, मेरा तकरीबन आई थिंक के 4 फुट और 5। ठीक है, वो अब मतलब वो तो वक्त गुजर चुका है, अब आपकी हाइट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, गर्ल्स में वैसे भी ये 14-15 साल तक ही रहती है, तो लेकिन ये कि ये चीजें आपकी कंट्रोल करनी जरूरी है। ठीक है, आपके ये टेस्ट पूरे होने चाहिए, मेडिकेशन आपकी स्टार्ट होगी, साथ में डाइट। अच्छा, तो आप मुझे प्लीज ये बता दें कि मैं अपना यानी कि किस तरीके से यानी कि क्या करूं, यानी कि आप देखें मैं डाइट भी कर रही हूं और सारा कुछ यानी कि कर रही हूं और एक्सरसाइज भी करती हूं और मेरी इतनी ज्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज्यादा। मैंने यही बात आपको बताई है, मैंने तकरीबन 2 से 3 दफा आपको ये बात बताई है कि आपका प्रॉपर चेकअप होगा, टेस्ट होंगे आपके दोबारा और मेडिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। फोन पे नहीं पता चल सकता ये सिर्फ। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, अब एक मसला फोन पे हल नहीं मिल सकते ना। नहीं, मुझे इस बात की जो है ना परेशानी भी कई दफा हो जाती है। हाँ। कई दफा ये होता है कि मेरी सेक्रेटरी जो है वो बता रही होती है कि लाहौर से कोई कॉल आई हुई है, पिंडी से कोई कॉल आई हुई है, और वो जो पेशेंट्स होते हैं वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आप प्लीज हमारी बात सुन लीजिए और आप टेलीफोन पे ही जो है सब कुछ कर लें। न्यूट्रिशनिस्ट के पास जब आप विजिट करते हैं आमना, कोई भी करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, डाइट हिस्ट्री पूरी, पूरा डाइट प्लान, आपके सारे टेस्ट होने, आपका पूरा चेकअप होना है। आमना, आप मुझे बताएं, आप मेरे पास विजिट करती हैं, मैं आपको कोई ऐसा डाइट टेलीफोन करती हूँ, मैं आपको कोई ऐसा डाइट प्लान टेलीफोन पे बता दूं और ऑलरेडी आप उससे कम खा रही हूँ, बिल तो फिर क्या होगा? तो आपका तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे ये बात जो है ना मुझे कई दफा बहुत परेशान करती है, क्यों नहीं लोगों को ये बात समझ में आती कि टाइम लगता है डॉक्टर मैजिक। मैं आपको बताऊं, पहली दफा आप किसी से कंसल्ट करें ना तो आपको यू हैव टू सी द डॉक्टर फर्स्ट, यू हैव, फिर आपको जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है या आपको जो डाइट प्लान मिलता है, देन यू कैन कॉल द पर्सन एंड यू कैन आस्क द डॉक्टर, अच्छा मैं ये कर रही हूँ, बिकॉज आपको एक आइडिया होगा कि मैंने इस बारे में ये चीज दी है। मुझे एक बात चेंज होगा, डाइट प्लान चेंज होते हैं। पीडियाट्रिशियन में भी देखें, कुछ माएं इतनी स्टूपिड होती हैं, दे कीप ऑन कॉलिंग द डॉक्टर, क्या हम फोन पे पूछ लेंगे? फोन पे यू हैव टू टेक द किड, आप उसको दिखाएं, बच्चे को पहले एक चेकअप कराएं, एग्जामिनेशन होगी उसकी, देन यू कैन डू द अदर थिंग। अच्छा ठीक है, अगर आपको एक दवाई समझ नहीं आई तो आपने कॉल करके कहा डॉक्टर मैं कल आई थी, ये बच्चा मेरा बीमार था, क्योंकि आप ये भी तो देखें ना हमारे डॉक्टर्स का भी तो हाल, देखें एक दफा देखेंगे दूसरे दिन दोबारा आप लेके नहीं जा सकते, आपको फीस देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल,
तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहली दफा अगर कोई चीज पहली दफा आपको ठीक है, आपने कॉल किया आप बहुत परेशान है, मैं समझ सकती हूँ आप लाहौर में, लेकिन आप कोशिश करें कि आप लाहौर में किसी को दिखा दें, लाहौर में दिखा दें, मतलब ये कि डॉक्टर्स हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है सब कुछ, अब जैसे ये हमारी कॉलर इन्होंने कॉल किया, अब इनको पता है कि इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है, डाइट वो कर रही है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैंने उनको दो दफा बताया है कि आपका चेकअप होना जरूरी है, टेस्ट दोबारा होने जरूरी है, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट होनी जरूरी है, तो ये लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि डॉक्टर मैजिक नहीं कर सकता, थोड़ा सा अगर आप इस पे जरा सा करें ना, पेशेंस सिखाएं और थोड़ा सा कॉपरेट करें कि अच्छा ठीक है, कॉपरेट करके चलें कि अच्छा जी मुझे नहीं समझ, अब डॉक्टर अगर शो पे आया ठीक है वो आपको थोड़े थोड़े हल तो बता सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो आपको प्रॉपरली नहीं बता सकता, प्रॉपरली नहीं बता सकता, और बिलफर्स इन शॉर्ट मैंने कोई मेडिकेशन बता दी है, डोज बता दी है, वो उनको नहीं सूट कर रही या वो उनके लिए नहीं है, तो फिर उसमें फिर डॉक्टर की डॉक्टर पे ब्लेम आ जाएगा ना कि डॉक्टर ने गलत है। थैंक यू सो मच आयशा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग डॉक्टर आयशा के सेगमेंट में कोई ऐसा टॉपिक सुनना चाहते हैं जो आपकी डाइट के रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ के रिलेटेड हो, जो हमने अभी तक वो हमें जरूर बताएं, और प्लीज फील फ्री कि आपने जो भी ऐसी डाइट प्लान है या ऐसा कोई मसला है आपका जो आपकी डाइट से प्लान या मेंस्ट्रुअल साइकिल है लोग नहीं बात करना पसंद करते करना चाहें, तो आप वो भी हमें फेसबुक पे या ईमेल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें ईमेल करेंगे chuloasman@news1tv.tv पे, और मैसेज ऐसा www.facebook.com/chuloasman, इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें, कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं आऊंगी, खुदा हाफिज़। छोड़ो आत्मा, छोड़ो छोड़ो आत्मा।